नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो अपने पति को अपने वश में करना चाहती हैं। सिर्फ एक नारियल की मदद से आपका पति आपका हो जाएगा, चाहे पति हो, चाहे आपका प्रेमी हो, बॉयफ्रेंड हो। जी हाँ, तो अगर आपके पति आपकी बात नहीं मानते हैं, अगर वो किसी और की बातों में आ गए हैं, चाहे आपकी सास ससुर हो या फिर कोई पराई स्त्री हो या फिर उनके ऑफिस में काम करने वाला उनका कोई साथी। कई बार ऐसा होता है कि आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा कंट्रोल किसी और का चलने लग जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई समस्या आ रही है जिसमें आपके पति आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं, आप जो भी कहती हैं वो ठीक उसका उल्टा करते हैं, तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा नारियल का उपाय जिससे कि आप अपने पति को मात्र कुछ मिनटों में ही अपने वश में कर पाएंगी। आपके पति सिर्फ और सिर्फ आपकी बात सुनेंगे और वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाएंगे। एक बात याद रखें, ये वाला उपाय आप पति के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, अपने पुराने प्रेमी के लिए, किसी के लिए भी कर सकती हैं, लेकिन जब भी वो सो रहे होंगे उस समय आपको ये उपाय करना है, तो उस हिसाब से आप अपना जैसा भी आप उपाय कर पाएं आप इसे कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहती हैं कि ये उपाय हम करें तो हमारे नंबर पर कॉल करके आप हमसे इस उपाय को करवा सकती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसे करने की पूरी विधि। तो बस आपको एक नारियल लेना है, उसे एक बार चेक कर लेना है कि उसके अंदर पानी होना चाहिए, एकदम सूखा वाला नारियल नहीं लेना है, और जटा वाला नारियल लेना है। तो इस तरह से आप जैसे आप देख रही हैं ये जटा वाला नारियल आप ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको इसे बैठना है और उसके बाद दोस्तों आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय वश्यम कुरु स्वाहा। ये मंत्र आपको बोलना है और नारियल के ऊपर आपको फूंकना है। ये मंत्र मैं आपके सामने रख देती हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद दोस्तों इस मंत्र को आपको बोलना है सिर्फ 51 बार मंत्र को बोलिए और नारियल को अपने सीधे हाथ में रखिए और उसको फूंकते जाइए। मतलब एक बार मंत्र बोला, एक बार फूंका, इस तरह से 51 बार कीजिए। और उसके बाद आपके पति जब सो रहे होंगे तो उस समय आपको इस नारियल को लेकर जाना है और उनके सिर के ऊपर से इसे 7 बार घुमा देना है। 7 बार घुमाने के बाद इसे आप अपने पास रख लीजिए। आपके कपड़े में इसे आप रख सकती हैं। अगर आपके पास नहीं है इस तरह का कोई इंतज़ाम तो आप क्या करेंगे कि आप एक रुमाल ले लीजिए और उसमें आप रख लीजिए। उसके बाद जैसे ही आपको समय मिले, वैसे तो आपको तुरंत ही जाना चाहिए, लेकिन अगर आप तुरंत नहीं जा पा रही हैं तो आप अगली सुबह एक लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए और उसके बाद उसी लाल रंग के कपड़े में आप इस नारियल को अच्छे तरीके से लपेट दीजिए। चारों तरफ से आपको लपेटना है जिससे कि नारियल दिखाई ना दे। इस तरह से नारियल को लपेट कर आपको लेकर जाना है और बहते हुए पानी में इसको विसर्जित कर देना है। दोस्तों याद रखिएगा कि जब आप वहाँ जा रहे हों या जब वापस आए हों तो आपको इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है। आपको चुपके से ये काम करना है, क्योंकि कोई भी टोटका, कोई भी उपाय सिर्फ तभी काम करता है जब आप उसे बिना किसी को बताए करते हैं। तो अगर आपसे कोई कुछ पूछे तो आपको नहीं बताना है कि आपने क्या काम किया है। इस नारियल को जैसे ही आप विसर्जित करेंगी उसके बाद आपको अपने घर आ जाना है और घर पर आपको हाथ मुँह धो के कपड़े बदल लेने हैं। यकीन मानिए, आपका ये उपाय इतना ज़्यादा असर करेगा कि जब आपके पतिदेव उठेंगे, सो के उठेंगे, तो वो आपकी बाहों में होंगे, आपसे उनका प्यार बढ़ जाएगा, आपकी बात सुनने लग जाएंगे, आपकी बात मानने लग जाएंगे। तो दोस्तों आप इस उपाय को कीजिए। अगर कोई और आपका सवाल हो तो आप हमसे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, वीडियो के टाइटल में भी हमारा नंबर लिखा होता है, उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।